चलते हैं जयपुर के बीजेपी मुख्यालय जहां पर सीपी जोशी कोर कमेटी की बैठक को लेकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जो 9 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, ये महा उन योजनाओं को महाजनसंपर्क अभियान से लेकर अनेक कार्यक्रम हैं उनको लेकर चर्चा हुई और इस माह में माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है। आगामी माह में और कई कार्यक्रम बनने वाले हैं। मुख्य रूप से राजस्थान की 81 सरकार जिसने 4.5 वर्षों में भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, महिला और दलित पर अत्याचार दुराचार, आपदा प्रबंधन की दावे की पोल खुलना, रीट के मामले में और चाहे योजना आयोग में पैसा मिलना हो, ऐसे अनेक मामलों को लेकर आगामी समय में राजस्थान सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की भी रचना बनी है और ऐसे ही कुछ कार्यक्रम आगामी रोड मैप को लेकर आज की कोर कमेटी की बैठक थी। विधानसभा सत्र आने वाला है तो उसमें भी किस प्रकार के मुद्दे जो है वो पार्टी उठाने वाली है? देखिए, राजस्थान की सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, महंगाई चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल हो, चरम पर महंगाई पहुंची। ऐसे में इस दोहरे चरित्र वाली सरकार को सिर्फ केंद्र की सरकार की योजनाएं के अलावा राजस्थान की सरकार ने 4.5 वर्ष में कुछ नहीं किया। जो सरकार 5 साल के लिए चुन के जनता भेजती है, मुझे लगता है ये सरकार 5 महीने की है। 4.5 साल आराम करो और 5 साल योजना लेकर आओ। ये सरकार 5 साल की नहीं लगती, ये सरकार 5 महीने की लगती है। जोशी जी, एक बड़ा मुद्दा जो है वो भी आज यहाँ चर्चा हुआ, क्या चुनाव में आगामी दिनों में जो कई तरीके के दंगे हुए, सांप्रदायिक मामलों को लेकर आप लगातार सरकार को घेरते भी रहे, आगामी दिनों में चुनाव में क्या इस तरीके के जो मुद्दे हैं, कई दंगे हुए, कई लोग अपराधी हैं, उनके लिए आप घूम रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं, इस तरीके की बात भी आगामी दिनों में पार्टी उठा सकती है? देखिए, राजस्थान की जनता उस बात को नहीं भूल सकती जहां भगवा पताकर पर प्रतिबंध लगाने का पाप इस सरकार ने किया। राजस्थान की जनता उस दिन को नहीं भूल सकती जब रामनवमी और हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। राजस्थान की जनता कन्हैया की हत्या को नहीं भूल सकती। राजस्थान की जनता यहाँ हिंदुओं के पलायन होते हुए को नहीं, जब जहाँ एक नहीं अनेक हत्याएं हुई और उसके ऊपर आरोपी खुलेआम घूमते हैं, रात को इनकी जमानत होती है, कई जगह पकड़े जाते हैं, तो निश्चित रूप से राजस्थान की दिल और जहन में है जनता के कि जिस प्रकार से कभी इस प्रकार की बात नहीं आई, लेकिन 4.5 वर्ष में तुष्टीकरण चरम पर पहुंचा है। और अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने गीता प्रेस पर भी सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार का घिनौना पाप, जिन्होंने 11 करोड़ का खर्च आता है किताब पर वर्ष भर में और 2.40 करोड़ रुपये में वो अपने पॉकेट का पैसा लगाकर वो धर्म का काम देश भर में पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी संस्थाओं पर भी आप प्रश्न खड़ा करोगे तो राजस्थान को लेकर कई लोगों के दिमाग में सवाल है कि आखिरकार टीम कब आएगी। पूरी आप खुद युवा हैं और एक बड़ी युवा टीम आप लेकर आ रहे हैं, ऐसा अंदाजा है? जल्दी वो भी आपको खबर मिलेगी। अभी वर्ष इस माह में केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का ये माह है, तो जल्दी इस बारे में जल्दी खबर आप। भाई साहब, सीएम साहब का एक बयान सामने आया, उसमें वो कह रहे हैं कि बजरंग बली ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सबक सिखा दिया है। तो यहाँ भी सबक राजस्थान को भी, राजस्थान में बजरंग बली इस तरीके से अभी बयान देने वाला नहीं है, बीजेपी से बजरंग बली नाराज है। ये तो अभी पता लग जाएगा कि बजरंग बली गोटा किस पे घुमाते हैं। इस चुनाव में ध्यान पड़ जाएगा और ऐसा गोटा घूमेगा कि जीवन भर आप हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का और मुगलिया पाठ को हटाकर आप गौरवशाली हमारे योद्धाओं का पाठ लगा, उन किताबों को, 1.5 करोड़ किताबों का आप बंद कमरे में बैठे हो। महाराणा प्रताप आपको पसंद नहीं, महाराजा सूरजमल आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको अकबर महान पसंद लगता है, इसलिए वो पाठ हट गए और आपने उन किताबों को डंप कर दी। वो राजस्थान की जनता कभी
साइन करने वाले। भाई साहब लास्ट सवाल, भरत सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य के थे वो, और इस्तीफा दे दिया और सीएम पर निशाना साधा है कि उनके संरक्षण में जो है वो गलत काम हो रहा था। देखिए उस व्यक्ति ने 4.5 वर्ष में एक नहीं अनेक बार खुलकर कहा है, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और जनता के। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी।